मैग्नीट्यूड यूनिट और बच्चों क्या हो गई क्या रिकॉर्डिंग क्या याद रखनी ठीक है तुम्हारे लिए ही यूजफुल रहेगा ठीक है मान लो कोई चीज मिस कर रहे हो तो बाद में रिवीजन कर सकते हो ओके मैग्नीट्यूड यूनिट है डायरेक्शन एग्जांपल बच्चों फोर्स फोर्स और क्या हो गया और कोई जब डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो हाँ रिलेटेड है हो गया बच्चों आर्या कुछ इश्यू है अभी तक यार रिकॉर्डिंग दिखा तो नहीं रहा ये रिकॉर्डिंग देखिए चेंज कर दे ओके तो दूसरा क्राइटेरिया भी होता है बच्चों ठीक है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का वो क्या होता है मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो किसी चीज की लेंथ को आपको नापना है क्या नापना है ठीक है और मान लो किसी चीज की स्पीड को नापना है अच्छा लेंथ के लिए बच्चों कितनी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है लेंथ को नापने के लिए कितने एक ही जरूरत है स्पीड क्या होता है बच्चों फॉर्मूला किसी को याद है डिस्टेंस अपॉन टाइम इसके लिए क्या क्या चाहिए बच्चों टाइम भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए क्या दो चीजें चाहिए नहीं चाहिए बच्चों तो ये दो चीजों पर डिपेंडेंट हुआ ये इंडिपेंडेंट हुआ ठीक है ना तो बच्चों ऐसी दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है ठीक है ना एक तो क्या हुई जो इंडिपेंडेंट हुई ठीक है ना दूसरी क्या हुई जो डिपेंडेंट हुई जो इंडिपेंडेंट हुई उसको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मैं बताऊंगा फंडामेंटल वर्ड यूज क्यों किया गया है ठीक है दूसरा है बच्चों आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है डिराइव फंडामेंटल क्यों कहते हैं कि बच्चों उसी से सारा कुछ आता है फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ बाकी सारा उसी से आया हुआ ठीक है डिराइव मतलब क्या हुआ जो फंडामेंटल से निकला हुआ ठीक है बात समझ आ गई फंडामेंटल बच्चों का डिपेंड करेगी दूसरी पर ठीक है तो हेडिंग डालो बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग डालो बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखेंगे डेफिनेशन ठीक है देख लो फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है फिजिकल क्वांटिटीज
विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखो सर, और कर देंगे मैं और फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी, और फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम, दैट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम any other physical quantity. That cannot be derived from any other physical quantity. अरे आगे सुनते, ठीक है? एक लाइन छोड़ दे एक बार, ठीक है? There are seven fundamental physical quantities. There are बच्चों seven fundamental physical quantities, ठीक है? तो जो सातों को लिख लेते हैं, सातों को याद रखकर आपको पता होगा उनके बारे में, ठीक है? ऐसे कॉलम बनाना बच्चों, तीन कॉलम बनाना है. यहाँ पर लिखना फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ पर क्या लिखना बच्चों? यूनिट. यहाँ पर क्या लिखना? डाइमेंशनल फॉर्मूला. अभी बता दो क्या आता है, लिख लेना, बाद में चर्चा करेंगे इसी विषय में. डाइमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है? साथ में है, ठीक है? पहला क्या है बच्चों? कोई भी ऐसा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताओ. एक तो मैंने बताई है आपको, क्या हुई? लेंथ. अरे हुई ना बच्चों, ठीक है ना? लेंथ की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट बता दो, मीटर. डाइमेंशनल फॉर्मूला बच्चों एल, क्या होता है एल? इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, एल फॉर लेंथ. क्या करना आसान है, ठीक है? पहला क्या हुआ? लेंथ. और बात बताओ बच्चों, दूसरा. हाँ, ये आसान है. पहले मास हो सकता है. अरे मास से बच्चों क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है. तो क्या हुआ? मास. यूनिट क्या हुई बच्चों? सिंबल क्या होता है? एम फॉर क्या होता है? तीसरा बच्चों, वेट. वेट एम जी होता है, टाइम. वेरी गुड, ठीक है? यूनिट बच्चों सेकंड. डाइमेंशन सिंबल क्या होता है? हो गया. लिख लिया ना? लिख लिया. अगला क्या है बच्चों? टेम्परेचर का बच्चों ऐसा यूनिट क्या होता है? सेल्सियस नहीं होता. लॉर्ड केल्विन के नाम पर रखा गया. लॉर्ड केल्विन जानते हो? उनको थॉमसन भी कहते हैं.
टेम्परेचर हो गया बच्चों, और क्या हो गया आपका? करंट बच्चों, करंट भी फिट आपका फंडामेंटल की क्वालिटी है। सिंपल क्या होगा बच्चों? क्या होगा? कैपिटल और एक होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल जानते हो आप लोग, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो लिख लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों ये तो एक नंबर होती नहीं होती, नंबर आप कौन कैसे निकालते हैं? मास है, मॉलिक्यूलर मास है, और एक तो होता बच्चों आपका लुमिनस इंटेंसिटी। इससे कभी मैंने यूज नहीं देखा आज तक, अभी पूरी लाइफ में नहीं देखा, देखते हैं। साथ हो गए बच्चों? कैंडेला कहते हैं, क्या कहते हैं? कैंडेला। सिंपल बच्चों जे होता है, क्या होता है? हो गया, चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? फिल्टर ले रहा है फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा इसकी डेफिनेशन कोई बता सकता है? व्हाट टू व्हाट नहीं, व्हिच इज डिपेंडेंट। हाँ किस पर डिपेंडेंट हो? कौन से फिजिकल? ठीक है ना भाई, फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज देखो, अरे भाई देखो जल्दी से, फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर, फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन, फिजिकल क्वांटिटीज which are dependent on, okay, fundamental physical quantities, dependent on fundamental physical quantities for their representation, dependent on fundamental physical quantities for their representation are called, are called derived physical quantity, are called derived physical quantity, ठीक है?
अब बच्चों इसके बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल है, सारे टू एग्जांपल है, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए बताओ, अभी तो एग्जांपल बताया बच्चों आपको, स्पीड और फोर्स, फोर्स और एनर्जी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सारे क्या बच्चों, ठीक है, ये तो समझते हो ना, स्पीड कैसे आया, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। तो दो फिजिकल, दो फंडामेंटल है ये भाई, स्पीड क्या हुआ, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बच्चों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना, ओके। और टाइम भी क्या बच्चे, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से आपने क्या कर दिया भाई, स्पीड को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना भाई, स्पीड को आपने रिप्रेजेंट कर दिया दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से, ठीक है ना। अब डायमेंशन का बच्चों रोल समझो, डायमेंशन का रोल आएगा बच्चों। अच्छा डिस्टेंस से कितने यूनिट हो सकती है, जैसा बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मिलीमीटर पर सेकंड, मिलीमीटर पर आवर, अरे हो सकती नहीं हो सकती बच्चों, ठीक है, यूनिट बच्चों बहुत सारे, बट ये किस दोनों पर, इन दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हुई, लेंथ और टाइम पर, इन दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हुई, लेंथ और टाइम पर। डायमेंशन बच्चों क्या होगी, लेंथ की, डिस्टेंस कोई भी हो, या तो लेंथ ही, डायमेंशन क्या होगी, एल लिखा है, और बच्चों नीचे क्या लिखा है, टाइम, अच्छा टी ऊपर जाएगा बच्चों तो पावर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, निगेटिव, क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला से क्या समझ में आया आपको, कि किन दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है, ये आपको आ गया। और कोई सा भी यूनिट हो बच्चों, यूनिट कोई सा भी हो, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, अरे यूनिक रहेगी, रहेगा बच्चों, कोई सा भी बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी यूनिट हो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा सेम है, यू समझ गए कि समझ गए, अरे भाई यू समझ गए, समझ गए, इसीलिए यूज करते हैं, ओके। इससे बच्चों यूनिट आराम से पता भी कर सकते हैं, लेंथ यूनिट क्या रखोगे बच्चों, भाई ये लेंथ ये ना क्या कर सकते हो, मीटर, और ये क्या किया, क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड इनवर्स, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर तो किलोमीटर आवर, इनवर्स, ठीक है ना। तो बच्चों इससे आप क्या कर, क्या पता कर सकते हो, यूनिट भी पता कर सकते हो आप, फिर बात समझ में आ गई, यस सर, ओके। चाहो उसको लिखो, चाहे ना लिखो, इसको बात करो, एक और बच्चों होती है, ठीक है, कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ओके, देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, ये सप्लीमेंट करती है, ठीक है ना, मतलब हेल्प करती है, ठीक है। इसमें बच्चों दो है, ठीक है, पहला लिखना प्लेन एंगल, क्या लिखना बच्चों, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की डेफिनेशन बच्चों लिखवा चुका हूं मैं, अरे थीटा क्या होता था बच्चों,
थीटा क्या था आपका एल बाई आर था, स्लोप थीटा कैसे बता रही हूँ ठीक है एल बाई ए था ना बच्चों, प्लेन एंगल क्या था ये प्लेन में बच्चों बनता था ठीक है ना, यूनिट क्या होती थी एसआई यूनिट बता रहा था क्या होती थी थ्री डी ठीक है ना, क्या होती थी रेडियन ठीक है ना, रेडियन और डिग्री में रिलेशन याद है क्या होता है पाई इक्वल टू 180 अरे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री याद रखना ठीक है। दूसरा बच्चों होता है सॉलिड एंगल, इसको देखकर घबराना नहीं ठीक है ना, ये 12th में आएगा बच्चों, 12th में फिर से बताऊंगा, 11th में इसका यूज नहीं आएगा ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ होता क्या है सॉलिड एंगल ठीक है ना, मतलब देखो सॉलिड बच्चों बनाता होगा इसे समझ पा रहे हो, ऐसा कुछ समझ सकते हो, अरे ऐसा समझ सकते हो सॉलिड ही बनाता है, लिक्विड तो बनाएगा नहीं, सॉलिड ऐसा होता है थ्री डायमेंशनल होता है ठीक है ना, क्या होता है बच्चों थ्री डायमेंशनल होता है मतलब प्लेन में नहीं होगा बच्चों, मान लो बच्चों आपने स्फीयर लिया, क्या लिया है स्फीयर, ध्यान देना ये तो मैं बना रहा हूँ प्लेन पर बट है क्या ये बाहर भी है ठीक है, इमेजिन करना है ठीक है ना, मान लो बच्चों आपने एरिया लिया, ध्यान देना एरिया बच्चों आपका ये बाहर भी निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है बाहर भी है, अब क्या किया बच्चों आपने इसके सारे पॉइंट्स लाए पत्ती काफी किसी के पास ये देख रहे हो इसी ने फेर कुछ कराई है ठीक है, अभी ये बच्चों देखो आपका एक कोन टाइप का बन रहा है बन रहा ठीक है ना, ये बच्चों देखो समझ लो ये आपका क्या है आपका एक सॉलिड का सरफेस है या स्फीयर का पार्ट मान सकते हो बच्चों ठीक है ना, ये बच्चों सारे इस पॉइंट पर मिल रहे हैं ठीक है, तो ये बच्चों आपका एक एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है यहाँ पर इमेजिन कर, एक कोन बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है ऐसा समझो एक कोन बन बच्चों बन रहा है, अरे बन रहा है नहीं बन रहा बच्चों, ये जो एंगल बना बच्चों ठीक है ना, क्या ये प्लेन में आया कि नहीं आया, प्लेन में इमेजिन करो प्लेन में नहीं आया बच्चों, ये जो एंगल हुआ इसी क्या कहोगे आप सॉलिड एंगल, क्या कहोगे इसी को सॉलिड एंगल ठीक है, कुछ आइडिया आया समझ में सॉलिड एंगल क्या होता है, कुछ आइडिया है थ्री डी एंगल, थ्री डी डेफिनेशन लिख लो, इसमें लिख लो आपने बताया ठीक है, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज ठीक है, एंगल मेड बाय पार्ट ऑफ स्फीयर, पार्ट ऑफ स्फीयर एट सेंटर, एंगल मेड बाय पार्ट ऑफ स्फीयर एट सेंटर व्हेन व्हेन इन पॉइंट्स ऑफ एरिया, वेयर इन द पॉइंट्स, वेयर इन द पॉइंट ठीक है ना, जो एरिया के बच्चों इन द पॉइंट आप मिला रहे हो उस पॉइंट पर ठीक है ना, बस पा रहे हो ना उस एरिया क्या किया इन द पॉइंट बच्चों मिला रहे हो, कहां से मिला रहे हो आप सेंटर पर मिला रहे हो बच्चों, तो अब कौन बन रहा है नहीं बन रहा बच्चों ठीक है ना, वेयर इन पॉइंट्स ऑफ एरिया, वेयर इन पॉइंट्स ऑफ एरिया आर जॉइंट टू सेंटर, वेयर इन पॉइंट्स ऑफ एरिया आर जॉइंट टू
ठीक है, क्या लिखा है? ये बच्चों क्या है, मान लो ये एरिया क्या हुआ आपका डी ए, क्या हुआ डी, रेडियस क्या हुआ बच्चों आर, ठीक है, इसका सिंबल लिख लो बच्चों, सिंबल होता है इसका ओमेगा, कैपिटल ओमेगा, कैपिटल ओमेगा जानते हो, ओम का सिंबल जानते हो, जानते हो, ठीक है, ये होता है सिंबल, इसका क्या होता है कैपिटल ओमेगा, ठीक है। देखो बच्चों अगर एरिया छोटा है जाहिर सी बात है एंगल भी क्या होगा छोटा होगा, तो डिफाइन कैसे होता है बच्चों आपका, ये डी ओमेगा क्या लिखोगे, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, क्या लिखोगे डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब नीचे आर स्क्वायर क्यों किया सोचो, ये क्या लॉजिक है, मैं बहुत लेट हो गया था क्लास में, ठीक है, मेरे साथ टीचर मुझे तो लेट हुई, मैंने कहा लाइट चली गई, बोले क्या रिलेशन है, देखो अरे भाई हाँ क्या रिलेशन है दोनों, मेरे बैट टूट गया थे इसलिए लेट हो गया, वो बात तो लॉजिक है, ठीक है ना, हाँ बताना चाहेगा एंगल बच्चों क्या होता है आपका, क्या डायमेंशन, क्या एक नंबर होता है, नहीं होता डायमेंशन लेस होता है, अरे होता ना बच्चों, एक नंबर होता नहीं होता बच्चों, ओके, अगर ऊपर एरिया है, एरिया की हाइट क्या होती है मीटर स्क्वायर, क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो आपको नंबर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, नीचे में क्या चाहिए होगा मीटर स्क्वायर, इसीलिए क्या है ठीक है ना, हर चीज का लॉजिक होता है, ओके। अच्छा बताओ पूरे स्फीयर का बच्चों सॉलिड एंगल क्या हो, पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल ये लिख दिया ना, लिख लो सॉलिड एंगल ऑफ होल स्फीयर क्या हो, सॉलिड एंगल ऑफ होल स्फीयर क्या लिखा आपने, d ओमेगा क्या लिखा है बच्चों, d a by r square, पूरे सर्कल के लिए बच्चों क्या करोगे आप, देखो इंटीग्रेट करो नहीं करोगे बच्चों, अरे फुल सर्कल के लिए क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे, जोड़ते ही जोड़ते बच्चों, ठीक है ना, जस्ट लाइक b s का इंटीग्रल क्या आता है बच्चों x, तो d ओमेगा का इंटीग्रल क्या आएगा ओमेगा, क्या रेडियस कांस्टेंट होती है बच्चों स्फीयर में, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, वन बाई आर स्क्वायर बच्चों ये क्या हुआ डी ए, ये बता क्या रहा है बच्चों डी ए आपका पूरा एरिया बता रहा है बच्चों, अरे पूरा एरिया क्या आपने सम कर लिया, और स्फीयर का पूरा एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर, अरे क्यूब करोगे देखता हूँ तो वॉल्यूम बन जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, तो फोर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या गया बच्चों फोर पाई, तो सॉलिड एंगल ऑफ होल स्फीयर क्या होगा बच्चों फोर पाई, लिख लो यहां पर रह जाए, समझ गए, कुछ आइडिया लगाओ तो सॉलिड एंगल के बारे में, कुछ तो लगा,
आर्या अभी तक कुछ दिक्कत आ रही है? आर्या डालो बच्चों, प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये जानते होंगे, और डिटेल में नहीं बताऊंगा, समझ लो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। एफपीएस पढ़ा है बच्चों? एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। लेंथ को बच्चों किसमें नापते हैं? फुट में। मास को किसमें नापते हैं? पाउंड में। और टाइम किसमें नापते हैं? सेकंड में। कभी आपने एमएमए वगैरह देखते हो आप लोग? हाँ देखते हो। हाँ तो उसमें बच्चों कभी नहीं देखो, जो भी जो फाइटर होता है उसका मास किसमें नापते हैं? केजी में। नहीं बोलते कितने पाउंड का है? अरे किसे बोलते हो? पाउंड। लगभग 0.48 ग्राम के केजी होता है, लगभग हाफ केजी होता है। ठीक है, एक होता है बच्चों क्या होता है? सीजीएस। ठीक है, क्या होता है? सीजीएस। ये बेसिकली ब्रिटेन में क्या यूज हुआ था, बाद में अमेरिका में बेसिकली यूज होता है। ब्रिटेन वाले तो एमपीएस यूज कर रहे हैं, वो भी यही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? सीजीएस। सी फॉर सेंटीमीटर, लेंथ को किसमें नापेंगे? सेंटीमीटर। जी फॉर मास को ग्राम में। ठीक है, एस फॉर सेकंड, ये जर्मनी बेसिकली यूज होता है। बाद में बच्चों क्या है आपका? एमपीएस। एम फॉर बच्चों मीटर, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में। ठीक है ना, इस बार बच्चों टाइम को सेकंड। ठीक है, देखो इसके बाद बच्चों क्या है आपका? देखो वास्तव में इतने सारे सिस्टम बच्चों डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम थे, समझ पाए नहीं? समझ पाए बच्चों? अब इससे बच्चों ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत होती है। अरे भाई कॉमन आपको नहीं समझ पाएगा, तो कह रहे हो मान लो यूएसए में कहते सर वहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री पहुंच गया, आप कहोगे 100 डिग्री पर तो पल जाएंगे वो तो। बट वो किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेनहाइट की बात कर रहे हैं। अरे किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेनहाइट की बात कर रहे हैं। बात समझा दे? ठीक है, मतलब आप बच्चों चीजों का अंदाजा लगाने में आपको दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात बच्चों मान लो रेट में भी बच्चों दिक्कत आएगी। मान लो आप यहाँ पर केजी, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? मान लो यहाँ पर आलू 10 रुपए पर केजी बेच रहे हो, वहां पर जाओगे तो कह रहे हो मुझे 6 रुपीज पर पाउंड है। ठीक है ना, तो भाई कन्वर्जन वगैरह में बच्चों दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको ऐसा सिस्टम चाहिए था बच्चों जो पूरी दुनिया में लागू हो। ठीक है ना, पूरी दुनिया में सारे बच्चों से यूनिट में ट्रेड करें, इसके लिए बच्चों ठीक है ना सारे कंट्रीज ने मिलकर बच्चों सिस्टम बनाया। क्या कहते हो? एसआई सिस्टम। क्या कहते हो उसको? एसआई सिस्टम। सिस्टम इंटरनेशनल नाम है इसका। ठीक है, ओके। अब कहोगे इसमें भी क्या होता है बच्चों? लेंथ यूनिट मीटर, मास यूनिट केजी, टाइम यूनिट सेकंड। डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें इसमें तीन ही है। इसमें क्या है? सात फिजिकल क्वांटिटी। सात शुरुआत के लिए मैं कितना साल में, इसमें क्या है? सात। ओके, अरे भाई समझ में आ गया? अरे भाई ठीक है। अच्छा क्या डिफरेंस सिस्टम है बच्चों? यूनिट डिफरेंट होगी? अरे होगी, अरे होगी भाई, बोलो तो। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट होगा? नहीं होगा भाई ना, अभी तो बता यूनिट कोई भी हो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, लिख लो नोट पे। ठीक है ना, इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स डायमेंशनल फॉर्मूला विल रिमेन सेम। डायमेंशनल फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक है,
रिएक्शन में चुके क्या इसको रिक्वायरिंग की जरूरत है कि यूनिट से बच्चों हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन यूनिट फाइंड कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट देख लो बच्चों अब कुछ मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों डायमेंशन लिखवाने जा रहा हूं ठीक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है कई चीजें हैं बच्चों को आगे जाके सीखोगे फॉर एग्जाम्पल आपको स्पीड की बच्चों स्पीड की डायमेंशन मैंने निकलवाई आपको स्पीड की डायमेंशन निकलवाई स्पीड की डायमेंशन आप पता कर पाए कि बच्चों स्पीड का फॉर्मूला आपको पता था स्पीड का फॉर्मूला पता था स्पीड क्या होता है बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम तो आप आराम से कर पाए ठीक है ना मैं कहूंगा आपसे विस्कोसिटी की बच्चों आप बताओ डायमेंशन तो आप पहली बार सुन रहे हो ये क्या वाला है ठीक है ना इसका फॉर्मूला इसका भी बच्चों इस पर भी क्वेश्चन होंगे समझ पा रहे हो ना अरे बच्चे भी बहुत दिन से क्वेश्चन होगे क्यों क्वेश्चन होगे एग्जाम कब देते हो 11th पास करने के बाद कब देते हो 12th पास करने के बाद अरे ठीक है ना भाई पानी एग्जाम तो 12th पास करने के बाद देते हो ना ठीक है ना तो कुछ यूनिट बच्चों के डायमेंशन बाद में पड़े ठीक है ना अब ये बता रहा सर आपने लिखवाई नहीं मैं कुछ लिखवा दूंगा जो बहुत काम के होंगे ठीक है ना उससे बच्चों जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दूंगा ठीक है जब आप आगे फॉर्मूला पढ़ोगे तो उसकी डायमेंशन के आप आराम से डिराइव कर लोगे तो मान लो शीट में देखना मॉडल में देखना तो नोट बन देगा ये तो मुझे बताया नहीं गया वो आगे बच्चों को आएगा तो आराम से आपको याद रखेगा ठीक है जो बहुत जरूरी है वो मैं बता दूंगा ओके ठीक है एडिट डाल लो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है कुछ मैं पांच छह बता रहा हूं पांच छह को तो आपको अगली बार ठीक है ना आपको याद होना चाहिए बच्चों पांच छह का फॉर्मूला मैं बताऊंगा तो आपको याद होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला अगले पूछूंगा मैं देखो बच्चों तीन कॉलम बनाओ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी एक कॉलम में लिखो फिजिकल क्वांटिटी आप पूरा लिखा करो ठीक है ना सेकंड में लिखो फॉर्मूला बच्चों और तीसरा क्या लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला पहला क्या लिखते हैं बच्चों स्पीड स्पीड वेलोसिटी सेम वैसे डायमेंशन होगी और भाई वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डायमेंशन तो सेम ही होगी दोनों लेंथ ही है ठीक है तो क्या होगा बच्चों पहला लिख लो स्पीड ध्यान देना इसको स्टार मार्क कर लेना स्टार मार्क करना मतलब क्या आपको याद रहनी चाहिए अरे ठीक है स्पीड स्पीड का बच्चों फॉर्मूला बताओ क्या होता है डिस्टेंस अपॉन ठीक है ओके डिस्टेंस का बच्चों डायमेंशन क्या हुआ एल और यहां पर क्या हुआ टी कैसे निकालना है ऐसा भी लिखना ठीक है क्या होगा बच्चों ये एल टी माइनस क्या होगा एल टी माइनस वन अच्छा मान लो बच्चे एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मान लो दो लेंथ को आप घटा रहे हो या दो स्पीड को घटा रहे हो 6 मीटर पर सेकंड माइनस 4 मीटर पर सेकंड आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड
या ऐड कर रहे हो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या इससे यूनिट चेंज हुई क्या ऐड करने नहीं चेंज हुई ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर यूनिट चेंज नहीं होती तो डायमेंशन की चेंज नहीं होती। बट बच्चों आपने मीटर को टाइम से डिवाइड किया मीटर को सेकंड से डिवाइड किया तो डायमेंशन चेंज हो तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे बच्चों क्या होगा डायमेंशन चेंज हो कॉमन सेंस से ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायमेंशन चेंज नहीं हो। अरे ठीक है ना ओके। दूसरा लिखो बच्चों एक्सेलरेशन इसमें भी स्टार मार्क कर लो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल यही होता है ठीक है। इसका यूज बढ़ेगा बच्चों जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा इसका यही मतलब हो नहीं होगा बच्चों लिख दो ऐसा लिखना बच्चों यहाँ पर ये लिख दो ठीक है आप कह रहे हो कि 6 मीटर पर सेकंड माइनस 4 मीटर पर सेकंड करेंगे तो आया कितना 4 मीटर पर सेकंड। जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को बढ़ाएंगे तो जो यूनिट क्या रहेगी सेम रहेगी डायमेंशन भी सेम रहेगी। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो ना क्या मैं 6 मीटर पर सेकंड में से 4 मीटर घटा सकता हूँ क्या ऐसा कर सकता हूँ ऐसा पॉसिबल है क्या स्पीड में से लेंथ घटा दिया मास में से टाइम घटा दिया नहीं कर सकते ना। तो बच्चों जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनकी यूनिट और डायमेंशन सेम होनी चाहिए क्या होनी चाहिए बच्चों सेम होनी चाहिए ठीक है। सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट लिख रहा हूं तो भी मैं आपको ये बात बताओ बच्चों जब देखो मुझे डायमेंशन से मतलब है यूनिट से मतलब बच्चों अरे मुझे डेटा से मतलब है ना बच्चों ऊपर तो बच्चों बी फाइल हमारे स्पीड से करोगे तो आई की बच्चों कुछ स्पीड ही आएगी अरे आई क्या बच्चों आई की तो स्पीड ही बच्चों स्पीड का बच्चों क्या होगा डायमेंशन अभी आपने निकाला है ऊपर ऊपर क्या आएगी बच्चों स्पीड एलडी माइनस वन नीचे क्या है बच्चों डेल्टा टी टाइम इंटरवल है तो टाइम को सब्ट्रैक्ट किया क्या की डायमेंशन अरे जाएगा ना ओके लिखो तो एक बार समझ लो ये ऊपर जाएगा बच्चों ऊपर पहले से माइनस वन है एटी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी अब पावर बच्चों बेस सेम है पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी तो एलटी क्या होगा माइनस वन क्या होगा तो एक्सेलरेशन की कुछ डायमेंशन क्या हो गई एलटी माइनस ठीक है ये याद होनी चाहिए बच्चों। ऐसा भी समझ सकते हो भाई स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड है तो एलटी माइनस इधर 5 सेकंड है ना बच्चों टाइम क्या होगा इनवर्स एक्सेलरेशन क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम क्या हो रखा हो माइनस टू आ रखा हो कि नीचे बच्चों क्या है सेकंड स्क्वायर अरे ठीक है ना भाई क्या मिटा दे इसको मिटा रहे अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है अभी किस पे जाते हैं अच्छा नेक्स्ट लिखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स देखो बच्चों कोई सा भी फार्मूला याद हो जिन नहीं जो मैं लिख रहा हूँ यही फार्मूला याद हो उससे रिलेटेड कोई सा भी फार्मूला याद हो सबसे आ जाएगा सबसे सेम डायमेंशन ही आएगी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा ठीक है ना। फोर्स का बच्चों कोई फार्मूला याद है F इक्वल टू क्या होता है मास इनटू
एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन क्या होगा बच्चों? मास तो फंडामेंटल है, क्या होगा बच्चों? एम। और एक्सेलरेशन की एलटी माइनस डायमेंशन क्या आ गई? एम एल टी माइनस टू। याद रखना है। अच्छा वर्क की यूनिट क्या होती है? हाँ जूस, जूल, जूल होती है ना, ठीक है। एनर्जी यूनिट क्या होती है? दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की डायमेंशन पे बच्चों क्या होगी? सेम। अरे भाई डेफिनेशन अगर याद है किसी को, एनर्जी क्या है बच्चों? काम करने की एबिलिटी। एनर्जी क्या है बच्चों? काम करने के लिए। और जब बच्चों काम करते हो, मान लो सपोज, मान लो मैंने काम किया, मान लो इस बोतल को मैंने फेंका, तो मैंने काम किया, तो इस बोतल में एनर्जी है कि नहीं? तो वर्क का एनर्जी क्या है? इंटरकन्वर्टिबल है बच्चों। अरे ठीक है ना, ओके। तो बच्चों वर्क का हो चाहे एनर्जी का हो, दोनों की डायमेंशन सेम है। कैलकुलेट करके बताओ, कोई सा फॉर्मूला याद है? वर्क या एनर्जी का कोई सा फॉर्मूला याद हो इससे आ जाए। बी आई टी याद है तुमको? वोल्टेज की डायमेंशन पता है? फोर्स क्या होता है? अच्छा मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब तो बता दिए भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने अरे एक शायद एक डायमेंशन मिस कर दी है। अरे क्या होगा बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा बच्चों? एम एल टी माइनस टू, ठीक है ना। इनटू क्या होगा बच्चों? एल। तो क्या गया ये भाई? एल एल क्या हो गया बच्चों? एल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया ये? एम एल स्क्वायर T माइनस। ठीक है बच्चों, क्या एनर्जी का कोई और फॉर्मूला पता है? अरे पावर की डायमेंशन कहाँ पता है? काइनेटिक एनर्जी सिंपल सिंपल चीजें नहीं बता सकते। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? यही होती है बच्चों, इससे भी निकल जाएगा। ये लिखना जरूर सारे तरीके। हाफ बच्चों क्या है? आपका नंबर है। अरे हाफ तो बच्चों नंबर है। क्या उसी कोई डायमेंशन है क्या? एक मिनट सुन लो, क्या उसी कोई डायमेंशन है क्या? नहीं, उसका तो डायमेंशन नहीं। फिर बच्चों मास आ रहा है, मास का डायमेंशन क्या? एम। स्पीड का स्क्वायर है, स्पीड की डायमेंशन क्या? एल टी माइनस वन। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। एम क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर। भाई एल स्क्वायर हो गया और टी की पावर क्या हो जाएगी? माइनस। एक और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया हमने, क्या होती है? एमजीएच। अरे होती है बच्चों। एम क्या होगा? मास। जी क्या है बच्चों? जी क्या है? एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। तो डायमेंशन क्या होगी? किसकी होगी? एक्सेलरेशन की होगी। रहे तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या? एल टी माइनस टू। एस क्या है? हाइट है, लेंथ है। लेंथ की डायमेंशन क्या? एम। अरे हुआ भाई, एम की डायमेंशन क्या? मास की डायमेंशन है। जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू। एच क्या है? हाइट है, लेंथ। डायमेंशन क्या होगी? एल। तो क्या गया बच्चों? इससे भी क्या गया? ml स्क्वायर t माइनस। तो कोई सा भी फार्मूला बताओ, सभी से सेम डायमेंशन आएगी, बट फार्मूला ऐसा यूज करना इसकी डायमेंशन पता हो, पावर की टाइम बता दो, pit बता दो। अरे
सर पता नहीं था, ठीक है। आ गया समझ में सर जी को? डाउट तो नहीं है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोड़ दो, लिख लो जल्दी से। ठीक है ठीक है। एक होता है बच्चों आपका टॉर्क, टॉर्क जो है तो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स बच्चों का भी यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये रॉड, ठीक है, इतना सा सभी, ठीक है ना, ये मान लो हिंज है, ठीक है। अब मैं इसको अगर रोटेट करवाऊंगा बच्चों, ध्यान देना, रोटेट करेंगे बच्चों, ट्रांसलेट नहीं करेंगे। रोटेशन किससे कारण होता है बच्चों? टॉर्क की वजह से होता है। कि मैंने आपको मैग्नेटिज्म का बताया क्लास में, फॉर एग्जांपल टोर है ना बच्चों, चैप्टर के नारे पर टोर लगा है, यहाँ पर टोर लगा है, हाँ मुश्किल होता है बच्चों, ठीक है। हिंज से जितना दूर होगा ना उतना क्या होगा, आसानी होगी, उतना ज्यादा टॉर्क ज्यादा लगेगा। टॉर्क होता क्या बच्चों? क्या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है लिख लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इस पर स्टार मत लगाना, ठीक है। क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स इंटू लेंथ क्या होगा बच्चों? वन टन, पर भाई वन टन ही हुआ ना, डायमेंशन तो वही आएगी, क्या आएगी बच्चों? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। अरे सेम डायमेंशन। अच्छा प्रेशर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ? फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है, इसको टाउ बच्चों बोलते हैं, टाउ, टाउ नहीं टाउ, टाउ, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स बाय एरिया। अरे यही होगा बच्चों, निकालो डायमेंशन जल्दी से, जल्दी से निकालो डायमेंशन। हाँ, तो आएगा। अरे बच्चों फोर्स क्या हुआ आपका? एम एल टी माइनस, अरे ऐसे याद रखना, फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एम एल टी माइनस क्या होगा? एक्सेलरेशन। और एरिया क्या हुआ? L square। तो बच्चों अगर L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस टू हो जाएगी, हो जाएगी बच्चों। और यहाँ पर पावर क्या है? वन, वन माइनस टू क्या होगा? माइनस एम एल माइनस वन डी माइनस टू। यही बच्चों स्ट्रेस भी होता है, यही क्या होता है आपका? स्ट्रेस भी होता है, ऐसे लिख लेना स्ट्रेस। हाँ फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। अभी याद रखो बच्चों जो डायमेंशन क्या है, जो वर्क या एनर्जी की थी वही डायमेंशन इसकी भी। अरे ठीक है ना बच्चों। अच्छा कुछ मैं आपको दे दूं, आप करके लाओ उधर डायमेंशन, ऐसे मुस्कुराता है आंसर आदमी। अरे ठीक है बच्चों, कुछ होमवर्क दे रहा हूं। अरे भाई मैंने बहुत चीजें बता दी आपको, लिखो बच्चों। अरे डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है, ओके।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इंटरनेट से कॉपी मत करना। अरे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसी तरह क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो सुन आपने यहां पर यहां से यहां चले गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगल हुआ, ये बता दे रहा हूं भाई। थीटा क्या होता है, एल बाई आर यही होता है ना, इसकी डायमेंशन होगी क्या नहीं हो, अरे लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर रहे हो, डायमेंशन होगी क्या नहीं होगी। इसको कैसा लिखोगे बच्चों, M0, L0, T0 ऐसा लिखते हो, अरे सिंपल लिख लिया, क्या लिखते हो M0, L0, T0, अरे भाई डायमेंशन लेस ठीक है ना, अरे भाई डायमेंशन लेस ओके, सबकी पावर जीरो पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या हो बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरह लिख लो बच्चों, ये मैं करूंगा ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये बता दूंगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कर सकते हो, अरे ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं ना, एम इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, अब जानते ना कैपिटल जी बच्चों पार्ले जी वाला ठीक है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी डायमेंशन निकालनी है, जो फाउंडेशन वाले हो तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ई ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल ई बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखो, मैग्नेटिक फील्ड मैं कहूंगा तब होगा, मैग्नेटिक फील्ड देखो, परमिटिविटी, परमिटिविटी ये मैं कराऊंगा तुमको नहीं करना, परमिटिविटी, परमिटिविटी इस पर काफी क्वेश्चन आए हैं ठीक है, ये क्लास करके बताऊंगा ठीक है ना, फिर कर दूंगा मैं ठीक है, मैं करूंगा परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी एप्सिलॉन स्लैश एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखना, ये सिर्फ ज्यादा नहीं लिखेगा एप्सिलॉन नॉट, परमीएबिलिटी म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं म्यू या म्यू नॉट, क्या पढ़ेंगे म्यू या म्यू नॉट, ये सारे मैं लिखा दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी ठीक है, पार्टिकल भी करते हैं, वेट कर रहा है।